रांची के बुंडू अनुमंडल में टाटा रांची राजमार्ग पर बना बैरियर इन दिनों एक्सीडेंट का कारण बन गया है। कांची नदी पर एक तरफ से ही बैरिकेडिंग की गई है और जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। रांची पुल के NHAI सड़क पर एक तरफ से सड़क रोक दिया गया है। सड़क पर की गई एक तरफा बैरिकेडिंग इन दिनों एक्सीडेंट का कारण बन गई है और ग्रामीण गुस्से में हैं। उन्होंने तत्काल इस पर रोक लगाने की मांग की है और रोक न लगने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी। हम लोग का जाल माला खतरा, हम लोग सामने घर है, लाइट बोल रहे हैं, लाइट नहीं दे रहा है और हम लोग रात भर बहुत आदमी बचाते हैं, हर बार एक्सीडेंट होता है। अगर तत्काल इसमें कोई पहल नहीं किया जाता है तो आसु पार्टी आंदोलन के रास्ते चलेगी और जैसे हम लोग भूख हड़ताल करते हैं जरूर लोगों के हित के लिए भूख हड़ताल करेंगे और जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा जान दे देंगे, लेकिन यहाँ से अपने भूख हड़ताल प्रोग्राम को जारी रख। इस मामले में जब हमने कार्यपालक दंडाधिकारी से बात की तो उन्होंने इस पर कार्रवाई की बात कही। प्रतिदिन एक्सीडेंट हो रहा है तो एक्सीडेंट को रोकने के लिए ये चीज मैंने जो मिट्टी ढला हुआ है सर रोड वाला डाल दिया है इसको हटा करके एक तो यहाँ पर लाइट दिया जाए तो इसको बढ़िया से यहाँ का कटिंग दूसरा जगह किया जाए। घटना हो रही है तो बहुत चिंतनीय विषय है। इस विषय पे हम लोग NHAI से संपर्क करके और इसका जल्द से जल्द निवारण करने के बारे में हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी टेम्पररी क्या कुछ व्यवस्था की जाएगी? अभी टेम्पररी हम लोग फील्ड वेरीफाई करेंगे। प्रशासन की ओर से कार्रवाई का आश्वासन मिल गया है, अब देखना होगा कि इस पर कब तक कार्रवाई होती है। रांची के बुंडू से आमद की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।